हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से आगे क्या होगा ये देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्लैरिटी दूंगी, कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, दोनों की एनर्जी, दोनों के मन में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ उस पर्सन को परेशान कर रही है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, क्लैरिटी मांगेंगे। डियर एंजल्स बताइए। ओके, सीक्रेट बातचीत नहीं हो रही है ना? लाइक कर दीजिए तब तक रीडिंग। देखिए, फ्लेम देखिए। ओके, बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन से कुछ उगलवाना या फिर इनसे बात करना ये एक चैलेंज है, टेढ़ी खीर है, ठीक है? इट्स नॉट ईजी, स्पेशली योर पर्सन। इट्स नॉट ईजी, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन समय सही नहीं चल रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इस समय आपसे बात करते हैं, चीज़ें बनने की बजाय बिगड़ सकती है। इट्स लाइक आपके साथ ये चीज़ों को इतना ज़्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट करने के चक्कर में ये जो एक्चुअल में जो इनको एक कदम लेना चाहिए, जो एक मूव होना चाहिए आपकी तरफ फॉरवर्ड, ये नहीं हो पा रहा। हो सकता है पर्सन एस्ट्रो में मानते हो, तारीख में मानते हो, या फिर थोड़ा दिन देख रहे हो और इनको ऐसा लगता है ये सही समय नहीं है आपके पास आने का। इनको ऐसा लगता है कि आने पर काम बनेगा नहीं, बिगड़ सकता है। प्यार करते हैं, प्यार बहुत है पर सिर झुका हुआ है, हिम्मत नहीं है अपने प्यार को इस समय बताने की, आपके सामने इजहार करने की, है ना? हिम्मत नहीं है। ऐसा लगता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन भटके हैं, आपसे भटक कर दूर गए हैं, ठीक है ना? उनको हो सकता है कि कोई ऐसा मिला हो, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, या फिर इनकी फैमिली वाली ही थर्ड पार्टी हो, जहाँ पे ऐसा लगता है कि इनको ना सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लगा, बहुत चांदी जैसे कहते हैं ना, चांदी सा लगा। ऐसा लगा कि जो भी है यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है और मेरे पर्सन के पास सिर्फ दुख ही दुख है। और इनको ऐसा लगा कि इन्होंने कंपैरिजन किया है दो चीज़ों का, तो इनको ऐसा लगा कि यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हैं। बट रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आई है या आया है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी की वजह से ना दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है। अगर आपने मना भी किया है किसी चीज़ को ना करने के लिए, किसी से बात करने से रोका है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में दखल दो या प्राइवेसी में दखल दो, ठीक है? ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? अच्छा, ये ना एक ऐसा पार्टनर मिस करते हैं अपनी लाइफ में, है ना? ये इनके मन में, मतलब आपसे दूर होने के बाद एक चीज़ आ रही है, ये ना कुछ एनर्जीज़ को क्रेव करते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ पे कंट्रोल करो एक तरीके से। अब मैं क्या बोल रही हूँ समझने की कोशिश करना। जब कोई किसी के साथ बहुत ही डीपली इन्वॉल्व होता है तो उसके बारे में जानते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, ठीक है ना? और दे वॉन्ट कि आप भी इनको बताओ, जताओ, मतलब एक हक जताने वाला, ठीक है, जिससे एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बने, प्यार बने। पर आपकी एनर्जी यहाँ पे इनको ये अच्छी नहीं लग रही, जैसे कि आप देखते हो यू हैव ग्रोन अप यार, यू हैव बिकम मच्योर, कि
कोई भी चीज़ आप ये करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो आप उसको छोड़ देते हो, नहीं बोलते, आप ऑब्जर्व करते हो। मतलब फोर्सफुली किसी को, मतलब जैसे कहते नहीं, आपके पास कोई मिट्टी पड़ी है, गीली मिट्टी, और जैसा चाहे वैसा आप बना लो बर्तन, है ना। आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरे पास ऐसा आए और मैं उसको बनाऊँ, नहीं। किसी को आप चेंज नहीं करना चाहते, आप ऑब्जर्व करते हो हर चीज़ को, ऑब्जर्व करते हो। मतलब आप, अगर आप पॉजिटिव हो भी इनके लिए, अगर आपको किसी चीज़ का बुरा भी लगता है, तो आप उसको कभी भी जताते नहीं हो, है ना। आप नोटिस करते हो चीज़ों को, आप अपने इमोशंस को देखते हो कि मेरे अंदर ये चीज़ किस लिए आ रही है, अपने उसको देखते हो, फिर आप उस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करते हो, है ना। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप पूरी तरीके से उनके साथ नहीं हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने आप से ही ना पीछे कदम लेते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप डाउट में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर श्योर ना हो, ये चीज़ें उनके मन में आती है। हो सकता है कि उनके मन में धीरे धीरे चल रही हों चीज़ें, है ना, धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही हो। पूरी तरीके से दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सरेंडर, पूरी तरीके से दिस पर्सन इज गोइंग टू कम, पूरी तरीके से ना ये अपने डेडिकेशन आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें ये आपसे पहले छुपाया करते थे, मुझे लगता है कि अभी आपको बताया करेंगे, दिखाया करेंगे, ताकि आपका भी ट्रस्ट जीत सकें, ठीक है। दे नो आपको गिफ्ट से इम्प्रेस करना पॉसिबल नहीं है, दे ऑल्सो नो कि आपके अंदर ना बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, और उस सवालों का जवाब आपके पर्सन आपको नहीं दे पाए हैं, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं चुप हो गए हो, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ना चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है, इसी वजह से आप दोनों ना एक दूसरे से खफा हो, पर कोई भी अपनी नाराज़गी दूसरे को नहीं बता रहा है, कोई भी अपनी नाराज़गी दूसरे को नहीं जता रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने एक तरीके से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है, ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को बोलना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगने लगा है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है ना। को ऐसा लगने लगा है, या फिर आपकी किसी बात पे ऐसा दिल टूटा है जिसका इनको अंदाज़ा ही नहीं है, किसी बात पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है आपको, लेकिन आपने बताया नहीं है। दे नो जब भी आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके जहन में है, और वो चीज़ वो जानना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर कि ना आपके मन में किसी तरीके की गांठें रहें, आपके मन में किसी तरीके का डाउट रहे, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट कि आपके अंदर ना इनको लेके क्लैरिटी रहे, आप डरो ना, आप बिल्कुल अश्योर्ड रहो, ठीक है। अब बिल्कुल इनकी तरफ से बेफिक्र रहो कि ये आपके पर्सन कहीं आपको छोड़ के जा रहे हैं, नहीं। ये ना आपके मन में ये चीज़ बिठा देना चाहते हैं, एक तरीके से यकीन दिला देना चाहते हैं आपको कि जो भी है सब सही है, ठीक है। जो भी है, ये सारा जो वहम है, जो डर है आपके मन में है, ये बोल देना चाहते हैं आपको, ऐलान ऐसा लग रहा कर देना चाहते हैं कि ये कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। आपसे अलग हो के या आपसे दूर हो के ये कहीं पे भी नहीं जा रहे, ठीक है। ये रहेंगे, कितने भी आप दोनों के बीच में चीज़ें परफेक्ट ना हो, ये आपके साथ ही रहेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है ये आपको एक भरोसा दे रहे हैं कि आप इनकी तरफ से पूरे अश्योर्ड रहना, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप दोनों के बीच में अनबन हो जाए, पर ये आपके साथ रहेंगे, साथ छोड़ने नहीं आए, दिल तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना। ये बोलना चाह रहे हैं, घूम फिर के आपके पास आना है, बिकॉज जो आपकी एनर्जीज है ना, इनको इनको एक ऐसा लगता है कोई डिवाइन एनर्जी है जिसके पास ये हमेशा रहना चाहते हैं, ऐसी डिवाइन एनर्जी जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे
चाहें भी अगर तो डिस्टेंस नहीं बना सकते, बिकॉज यू आर द वन एंड ओनली फॉर देम, वन एंड ओनली इन देयर लाइफ. ना ये अपनी एनर्जी आपको बता रहे हैं, ना ही ये आपकी एनर्जी जान पा रहे हैं, तो एक तरीके से ये बहुत परेशान है. इस समय इनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कहते नहीं सो नहीं पा रहे हैं, उनको अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा. पर इनकी मजबूरी है कि आपको बता नहीं सकते, ठीक है, इनकी मजबूरी है कि आपको वो चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, और वो चीज़ इनको भी परेशान करती है. ठीक है, एक तरीके से बोलो ना मजबूरी, नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जता पा रहे हैं. कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि ये इनकी गलती की वजह से हुआ है. जो कुछ भी हुआ है उसमें आपके पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, और वो आपके गुनहगार हैं, आपको इस हालत में करने के गुनहगार हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते से बहुत दुखी हो चुके हो. ठीक है, ये चीज़ इनको समझ आती है और इसीलिए आपने बात करनी बंद कर दी है. पर ये इस समय आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो, मतलब किसी और के साथ अगर आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया होता तो शायद वो इंसान आपके पर्सन को बहुत प्रताड़ित करता. पर आपने बिना कुछ बोले चुपचाप इस पर्सन से जो डिस्टेंस बना लिया है, या फिर आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, उससे पता चलता है कि आपका पेन कितना ज़्यादा गहरा है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से चुप हो गए हो. आपका पेन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से आप नहीं जता पा रहे हो, बता नहीं सकते उस पर्सन को कि आपको कितना बुरा लगा है. आपका पेन इतना ज़्यादा है कि ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता. ठीक है, उस चीज़ को समझ रहे हैं, पर इनके दिल में उम्मीद ख़त्म नहीं हो रही है. ठीक है ना, इन्होंने इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है, इस रिश्ते को ये सेकंड चांस देना चाहते हैं. ठीक है ना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ना यहाँ पे इनको बॉदर करती है. मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कैंडल है ना, उसको ये ख़त्म नहीं होने देना चाहती, फ्लेम ना बुझ जाए. सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रखना चाहते हैं. कुछ ना कुछ करके थोड़ी बहुत बात आपसे शुरू होगी ज़रूर, कुछ ना कुछ करके ये जैसे कुछ लेन देन कर रखेंगे, या कुछ किसी ना किसी बहाने ना बातचीत चलेगी, किसी ना किसी बहाने, धीरे धीरे ही सही, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, है ना, धीरे धीरे ही सही. चारों तरफ बहुत शोर है, पर इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत शांति है. एक ऐसा पार्ट है जिसको ना अपनी लाइफ के साथ ये मिक्स नहीं करते, ये पता है कि आपका, आपकी चीज़ और बाकी चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको ये हमेशा पर्सनली अलग से डील करना चाह रहे हैं विद फुल फोकस, है ना. देर इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर यू जो हमेशा इनके दिल में है और रहेगी, ऐसा लग रहा है. इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ. गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.